सनक खौफनाक और जैसे जब चक बना प्रेमिका पर एसिड अटैक की वजह प्रेमी के दिमाग में शक इस कदर घर कर गया, उसने प्रेमिका की जिंदगी तबाह करने की कसम खाई और दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। लेकिन आरोपी गुनाह करने के बाद कानून की नजर से बच नहीं पाया। उज्जैन से देखते हैं गुनाह की पूरी कहानी। चरित्र शंका और एसिड अटैक, प्रेमिका पर शक और खौफनाक वारदात, 24 घंटे में आरोपी कानून के शिकंजे में, एक शक और एसिड अटैक की खौफनाक वारदात, एक वहम और प्रेमिका पर प्रेमी की एसिड अटैक करने की खौफनाक वारदात। मामला उज्जैन का, जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका पर एसिड फेंकता है, खुलेआम वो इस वारदात को अंजाम देता है। वारदात के बाद पूरे शहर में फैल जाती है सनसनी। लेकिन 24 घंटे बाद ही आरोपी पहुंच जाता है पुलिस गिरफ्त में। उज्जैन के नीलगंगा थाना इलाके में यह मामला सामने आया था, जहां पर निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करने वाली महिला पर आरोपी मुकेश एसिड से अटैक करता है। अटैक के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वारदात की सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और महिला के बारे में जांच पड़ताल करती है। पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है पीड़िता तलाकशुदा है, जिसने 2007 में अपने पति से तलाक लिया था और वो आरोपी मुकेश के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। लेकिन अक्सर दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद होते रहते थे। इस बार भी एक विवाद हुआ और ये इतना बढ़ा कि आरोपी ने अपनी प्रेमिका पर एसिड से हमला कर दिया। ये कल साईधाम कॉलोनी थाना नीलगंगा क्षेत्र में एक महिला है जिस पर एसिड अटैक हुआ था। वो महिला सन 2007 से एक आदमी के साथ रह रही थी, पिछले 13 साल से। उस आदमी का नाम मुकेश शर्मा है। वो लोग दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से इस आरोपी को जो है, आरोपी जिसने घटना कारित की है, उससे उसको महिला पर उससे चरित्र शंका थी और चरित्र शंका के कारण ही इसने ये घटना कारित की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इसमें तुरंत टीम रवाना कर दी थी और टीम ने इसे चिंतामण ब्रिज के पास मुखबिर के सूचना से पकड़ा है। आरोपी ने अपने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने ये घटना कारित की है, चरित्र शंका के कारण ही उसने घटना को अंजाम दिया। मामूली विवाद के बाद आरोपी ने महिला पर एसिड से हमला किया, जिसके चलते पीड़िता 50% तक झुलस गई, जिसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले पर गंभीर बनी हुई थी और जल्द ही आरोपी को चिंतामण क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ, आरोपी ने चरित्र शंका के चलते महिला पर एसिड अटैक किया था, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मामले में पूछताछ के बाद आरोपी ने जिस दुकान से एसिड खरीदा था, उस दुकान पर भी पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है।